मैं कह रहा हूं तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरा यह अहंकार ही तुझे हराएगा। क्या बात है, क्या बात। ये राम को लेके आए थे अयोध्या, अखिलेश यादव जीत गए, अयोध्या में राम है। राम ने कहा कि असिला भक्त है अखिलेश, ये है पाखंडी। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो समाजवादी की कैंपेनिंग में हैं, इसमें एक महाराज जी भी आए हुए हैं लखनऊ से। इन सब लोगों से हम जानेंगे कि थोड़ा से क्या ऐसी स्ट्रेटजी है इनकी जो यहाँ से मानपुर से जो मोस्ट सेंसेशनल सीट बनी हुई है, पूरे महाराष्ट्र की नज़र इस पे, पूरे महाराष्ट्र की नहीं आज पूरे देश की नज़र सिर्फ इसी एक सीट के ऊपर है, 171 मानपुर शिवाजी नगर, क्योंकि इसमें दो दिग्गज आमने सामने हैं, नवाब मलिक और अबू आसिम आजमी। आइए जानते हैं कि इन लोगों को कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करने का, स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि हम बचे हुए हैं सिर्फ मात्र 1.5 दिन, तो क्या स्ट्रेटजी इनकी काम करेगी और कौन यहां से चुनाव जीत रहा है, क्या स्ट्रेटजी लग रही है आपको? ये विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का 288 का जो हो रहा है, मुंबई महाराष्ट्र का, ये फिरका परस्तों की जो आवाज़ है और पूंजीपतियों के खिलाफ एक जंग है। हमारी जंग जो है महाविकास अघाड़ी की, समाजवादी पार्टी की और अबू आसिम आजमी साहब एक दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों की एक आवाज़ है। और गमंडी क्षेत्र जो है, यहाँ लोग बूंद बूंद पानी को तरसते थे 2004 के बाद में, जब यहाँ पर अबू आसिम आजमी साहब चुनाव जीत के आए तो यहाँ पे लोगों को पानी देने का काम किया और सड़कें बनाने का काम किया। आज लोग जो वोट बांटने के लिए आए हैं वो सारे के सारे लोग फिरका परस्त पार्टियों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक मुस्लिम आवाज़, माइनॉरिटी की आवाज़, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़, अबू आसिम आजमी साहब की आवाज़ विधानसभा में न गूंजे, इसलिए उनको दबाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, भारी से भारी मतों से यहाँ की जनता उनको चुनाव जिता के लेके आ रही है और नवाब मलिक मुंह लपेट के अपना काला मुंह लेके यहाँ से जाएंगे। महाराज जी हमारे साथ है, महाराज जी आप कहाँ से आए हुए हैं? महाराज जी को आजमगढ़ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश में आया। मैं स्टार प्रचारक है आप जी, लेटर जारी हुआ है और सब है। मैंने यहाँ लगभग हर वार्ड का लगभग दौरा कर चुका हूं। मैंने देखा उत्तर भारतीयों का जो आवाज पूछा, नवाब मलिक की जो बात आती कहीं आता पता लड़ाई में नहीं। इसलिए उत्तर भारतीयों का जो गोंडे में बड़ा वर्चस्व और उत्तर भारत में भाजपा ने, योगी बाबा ने मुसलमानों को, यादवों को, अति पिछड़ों को कहीं ठोका है, कहीं मुसलमान को गाय के बद पे जेल में भेजा है, कहीं यादों के नाम पे, गुंडा के नाम पे गोली मारा है, कहीं बुलडोजर चलाया है, उसके साथ तमाम 13 परीक्षा, लगभग 13 से ज्यादा परीक्षा लीक हुआ, जिसमें करीब 2.25 लाख लड़के आत्महत्या कर लिए, ये डाटा NCERB का है। और लाखों किसान आत्महत्या किया उत्तर प्रदेश का, 10 बच्चे आज भाषी में, वो दिन आपने देखा होगा कि 2 साल से फायर ब्रिगेड का जो अग्नि यंत्र कंट्रोल करने का यंत्र होता, 2 साल से ये उसका डेट एक्सपायर। बाबा योगी महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे का नारा देते हैं और उत्तर प्रदेश में अगर जो जय श्री राम नहीं कहा, चाहे यादव हो चाहे मुसलमान, उसको बुलडोजर गोली ठोक दो। अच्छा, इनका जो बटेंगे मार दो नारा है, हाँ। वो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं ये आरएसएस के लाइफ से निकला हुआ नारा है और वो नारा निकाला गया और ये तय किया गया नागपुर में इस नारे को बोलेगा कौन, क्यों डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में टकरा रही है, योगी बनाम मोदी हो गया है। आपको हम बता दें, जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। किसी शहर ने कहा तुझे कोई हरा नहीं पाएगा,
और भारतीय जनता पार्टी आए विपक्ष के लोग, मैं बता दूं भारतीय जनता कोई माइक लाल हरा नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरा यह अहंकार ही तुझे हराएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये राम को लेके आए थे, अयोध्या अखिलेश यादव जीत गए, अयोध्या में राम है। राम ने कहा कि असिला भक्त है अखिलेश, ये है पाखंडी। सामान्य सीट पे, सामान्य सीट पे एससी जीत जाता है, देश के इतिहास में एक परिवर्तन आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी जगमगा जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अखिलेश यादव रोक देते हैं। दूसरे नंबर पे कोई रोकता है महाराष्ट्र में, अबू आसिम बबर शेर और महाआघाड़ी रोकता है पूरे देश में। इसलिए आपने कहा देश की निगाह है, ये देश में ईडी सीबीआई सब लोग जानते हैं। नवाब मलिक को उठा के जेल में बंद कर दिया गया, उसे तय किया गया ठोक देंगे। अब नशा की बात करते हैं, उनका लड़का खुदे नशेड़ी हो गया, जब ये जेल में गए पागल होके डिस्टर्ब होके लेने लगा, कोई जो चर्चा चल रही भाई मुझे प्रमाण नहीं लेकिन ये है बात। तो इनको भेजा गया कि अबू आसिम को कोई अगर हरा सकता है अखिलेश का, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब नेशनल पार्टी बनने जा रही है, ये प्रधानमंत्री अखिलेश बनने जा रहा है। अबू आसिम को हराने के लिए आरएसएस के लोग नवाब मलिक को नोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं और जेल से छोड़ देते हैं। इसलिए लाके यहाँ खड़ा किया गया, लड़ाई कोई है नहीं, क्योंकि लड़ाई लड़ाई संविधान बचाने की है। क्या बोधा कांड से लेकर के मणिपुर, जब मणिपुर जल रहा है, बहराइच का दंगा लोग भूल गए, मुसलमान के नाम पे ठोक दो, वो गाय बद पे भारतीय जनता पार्टी पैसा लेती है और गाय बद पे मुसलमानों को जेल में भेजती है। अखिलेश यादव पिछड़े हैं, मंदिर में जाते हैं गंगा जल से धुलवाती है। तो आज पिछड़ा ये मनवादी विचारधारा के लोगों के खिलाफ, ये गोवंडी की जनता, शिवाजी नगर मानखुर्द की जनता और महाराष्ट्र की पूरी जनता महाआघाड़ी के पक्ष में वोट करेगी। संविधान बच, क्योंकि ये देश की आजादी का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव तय करेगा। महाराज जी आप यहाँ कितने दिनों से? मैं यहाँ लगभग आज 10 लगभग 15 दिन होने जा रहा है। क्या लगा आपको ये 171 की जो सीट है, इसमें कितने लोग बटे हैं और कितने कटेंगे, कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है, जो डर गए वही बटे हैं, और जो ईमान और गीता पे है वही अबू आसिम के साथ डटे। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ, आपका जो आकलन है? मेरा आकलन है कि हर बार से ज्यादा मतों से अबू आसिम साहब जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने, मैंने देखा ये दौड़ा करके कि ये राजनीति को व्यापार नहीं बनाए, ये निधि को बेचने का नहीं काम किए, ये दौलत कमाने के लिए राजनीति नहीं किए। जो व्यक्ति दौलत कमाने के लिए राजनीति नहीं करेगा वो निश्चित तौर से डायलिसिस का अगर कोई काम किया अबू आसिम। कोरोना में कोई गरीबों का मसीहा बन के बना अबू आसिम, हजारों लड़कों को, लोगों मरीजों को निःशुल्क अगर दवा कोई करवा देता है अबू आसिम, करोड़ों करोड़ों रुपया वो टैक्स देता है अबू आसिम, उसे धन की जरूरत है। जो धन के लिए राजनीति में आते हैं, क्योंकि ये करोड़ खर्चा करेंगे, 50 करोड़ खर्चा करेंगे, 100 करोड़ खर्चा करेंगे, तो ये मिले आमदार बन के पहले उसको निकालेंगे। तो अबू आसिम को ऊपर ने नवाजा है, ये आज से नहीं, ये दिल से नहीं, ये अपनी जमात और अपने खानदान का बहुत रईस आदमी है। इसके मैं निकटतम ही मंजिल पटरी से लेकर के और गोंडी तक मैं जानता हूँ, इसलिए भी ये भगवाधारी, क्योंकि अबू आसिम संविधान की बात करते हैं, गीता कुरान पीर पैगंबर, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा विश्व का सबसे बड़ा धर्म तो मानवता इंसानियत, और मानवता इंसानियत की बात अबू आसिम करते हैं, और उसका जो पीरिए के जन नायक है अखिलेश यादव वो करते हैं। इसलिए मैं भगवाधारी देश की जनता से अपील करता हूँ, आप हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे मत वोट करो, आप विकास के नाम पे वोट करो, संविधान बचाने के लिए वोट करो, नौजवानों को नौकरी करने के लिए, धराबी बचाने के लिए वोट करो, अंडा अडानी अंबानी को भेजने के, क्योंकि 10% पूंजीपतियों के हाथ में भारत का हिंदुस्तान आ गया है, और जो भारत मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और ये लोग केवल व्यापार बना रहे हैं, व्यापार बचाओ, संविधान बचाओ, मान खुद शिवाजी नगर भारी मतों से जिताओ, क्योंकि जब ये जीत जाएगा तो दिल्ली का सिंहासन हिलेगा, यूपी का भी बाबा गोरखपुर में जाके माला जपेगा।
कि क्या लग रहा है आपको, आप लोगों की स्ट्रेटजी काम करेगी? देखिए, हम लोग आजमगढ़ से आए, यहाँ पूरा क्षेत्र में घूमे हैं। अबू आसिम आजमी बहुत भारी वोट भी जीत रहे हैं और इनकी कारकर्दगी। कितने दिनों से आए हैं आप? मैं अभी 5 दिन से आए। तो 5 दिन में आपने पूरा क्षेत्र घूमा और यहाँ की जनता के में उन्होंने अपना दिल बना के रख दिया है। लोगों की हमदर्दी, दुखों में सबके शामिल होते हैं। 3 बार मिले रह चुके हैं, सबके वो जान गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि ये जो नवाब मलिक है, ये समाजवादी का एक स्टूडेंट है, समाजवादी क्लास का एक स्टूडेंट है। यहाँ पर राजनीति सीखा, यहाँ पर MLA बना, यहाँ पर मिनिस्टर बना। तो वो बच्चा अबू हाशिम का जो बच्चा, आज उनको आग दिखाने के लिए मानपुर शिवाजी नगर में आ गया, क्योंकि उसको और कोई सीट नहीं नज़र आई और उसको मानपुर शिवाजी नगर सीट नज़र आई और वो बच्चा यहाँ पर आ गया हाशिम भाई को आग दिखाने के लिए, क्योंकि घर का बेटी लंका डालने के लिए आ गया। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 22 कैंडिडेट खड़े हैं, 22 कैंडिडेट में 16 मुस्लिम, बाकी दिगर है। क्या अबू हाशिम का अगर इनको डर नहीं होता, टाइगर का डर नहीं होता, तो इतने कैंडिडेट मुस्लिम को खड़े करने की ज़रूरत नहीं थी। विपक्ष तो ये कह रहा है कि डरे हुए अबू हाशिम हैं और अखिलेश यादव हैं, क्योंकि इसी एक सीट पे पूरे उत्तर प्रदेश के सारे बड़े चेहरों को लाके उतार दिया, इसमें क्या है? देखिए, मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं हो सकता है। मुसलमान आज के 15 साल पहले इस गोंडी का मुसलमान, इस गोंडी का हर हिंदू ये देखा कि 20 रुपया गैलन पानी खरीदता था और 20 रुपया गैलन पानी खरीदता था, उसको दवाई के लिए अस्पताल नहीं था यहाँ। आज गोंडी चमक रही है तो सबको हीरा नजर आ रही है। जनता का एक और सवाल है, बोलिए, जिस तरह से इस एक पर्टिकुलर सीट के लिए मेहनत की जा रही है, यही मेहनत अगर लोकसभा चुनाव में की गई होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो यहाँ से हमारे गठबंधन के संजय दीनानाथ पाटिल को चुन के लाया है, यहाँ पर क्या नाम है, हमारा ही प्रत्याशी जीता है। नहीं, मेहनत की बात, जैसे हर एक बड़ा चेहरा आके अभी कंपेन कर रहा है, ये लोगों का सवाल है, ये जनता का सवाल है, ये सवाल लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं, ये मेहनत क्यों नहीं की गई? नहीं, लोकसभा के चुनाव में तो मेहनत काफी की गई, समाजवादी ने किया, शिवसेना ने किया, कांग्रेस ने किया, NCP ने किया, सभी लोगों ने मेहनत किया और तभी तो चुन के आया संजय दीनानाथ पाटिल। और दूसरी बात, मैं आपको इस सीट पे ये लग रहा है कि तुम और भी ताकतें उतार दो। अबू हाशिम शेर था, शेर रहेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। वन साइड अबू हाशिम साहब निकल रहे हैं और ये वोट पटवा लोग जो पैदा हुए हैं, ये सब लोग जोड़ा जुटा बटोर के अपने घर को लौटने वाले हैं।